और अगला नाम इस सूखे पत्तों पर शजर का काम क्या है, सूखे पत्तों का शजर पर काम क्या है, तेरी जिंदगी में मेरा अब मुकाम क्या है। ये शेर जिनका है, मैं उन्हीं को मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ कि ये अमर उजाला काव्य वेब पेज पर प्रकाशित इस उम्दा गजल का ये बेहतरीन शेर लिखने वाले फनकार और बानगी के उपनाम से खुद की पहचान बनाने में प्रयास कर आज मेरे साथ मन संचालन कर रहे मेरे सहयोगी श्री शिवम ललवारी उस बानगी को ससम्मान मंच पर आमंत्रित करते हैं। सूखे पत्तों का शजर पर काम क्या है, तेरी जिंदगी में मेरा अब मुकाम क्या है। सब भुला सुकून पाने की थी ख्वाहिशें, सब भुला सुकून पाने की थी ख्वाहिशें, फिर सीने में भरे ये इत्तेहाम क्या है, फिर सीने में भरे ये इत्तेहाम क्या है, तेरी जिंदगी में मेरा मुकाम क्या है। चलिए अब वो पढ़ता हूँ जो पढ़ने आया था, बहुत देर से आप लोग साथ दिए हुए हैं। तो इस गजल का मतलब आपको नजर करता हूँ सभी साथियों को कि दफ्तर में बैठे बैठे दिन भर, दफ्तर में बैठे बैठे दिन भर सब अपना ढूंढते हैं, दफ्तर में बैठे बैठे दिन भर सब अपना ढूंढते हैं। शाम तले रिंदो संग, रिंदो यानी साथियों के साथ, शाम तले रिंदो संग नई नई गजलें सुनते हैं, दफ्तर में बैठे बैठे सब अपना ढूंढते हैं। और शायरों को दिखे हैं अपने अलग ही सलाम, ये शायरों जितने भी कवि शायर यहाँ बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूँ, सलाब बोल रहा हूँ, शाह नहीं बोल रहा हूँ, साह बोल रहा हूँ। सलाब का अर्थ होता है मरीचिका या मृतृष्णा या इंग्लिश में मिराज, कि शायरों को दिखे हैं अपने अलग ही सलाब, तृष्णगी मुझे ना बुझे, तृष्णगी प्यास, शायरों को दिखे हैं अपने अलग ही सलाब, तृष्णगी मुझे ना बुझे, गुल जरूर चुनते हैं। और हल्का सा इल्म है उन्हें उर्दू अदब का, सब मैं आपको कहता हूँ नजर करता हूँ ये शेर, हल्का सा इल्म है उन्हें उर्दू अदब का, इसलिए हम भी ख्याल जरा नाजुक बनते हैं। हल्का सा इल्म है उन्हें उर्दू अदब का, इसलिए हम भी ख्याल जरा नाजुक बनते हैं। और अब यूं बढ़ते हैं बातचीतों के सिलसिले उनसे, अब तो यूं बढ़ते हैं बातचीतों के सिलसिले उनसे, चबूतरे पे महफिल सजे और वो अटरिया पे सुनते हैं, और वो अटरिया पे सुनते हैं। कल गुजरे कूचे से उनके, कूचे यानी गली, कल गुजरे कूचे से उनके तो छज्जे पे खड़े थे, महफिल नहीं थी पर खड़े थे, कल गुजरे कूचे से उनके तो छज्जे पे खड़े थे, पूछने वालों से कहा हमने कि अजान सुनते हैं, कि अजान सुनते हैं। और अगली चंद पंक्तियां आजकल के माहौल पे पढ़ता हूं कि चैन और अमन से गुजरे जिसकी भी जिंदगी यहाँ, चैन और अमन से गुजरे जिसकी भी जिंदगी यहाँ, लगता है वो आजकल, चैन और अमन से गुजरे जिसकी भी जिंदगी यहाँ, लगता है वो आजकल खबरें ज्यादा कम सुनते हैं, लगता है वो आजकल खबरें जरा कम सुनते हैं। और अगली पंक्ति में कहूंगा कि जवानी की रवानी में चोट दिल पे खाई थी, साहब जवानी की रवानी पे चोट दिल पे खाई थी, जवानी की रवानी में चोट दिल पे खाई थी, तब जाकर पीरी में वजनी ख्याल बुनते हैं, तब जाकर पीरी में वजनी ख्याल बुनते हैं। और वक्त के तकाजे हैं, वक्त के तकाजे हैं जो अजीम सुखनवा सारे, सुखनवा यानी शायर कवि, अजीम यानी बड़े बड़े, वक्त के तकाजे हैं जो अजीम सुखनवा सारे, महफिलें अपनी छोड़ के यहाँ बानगी को सुनते हैं, यहाँ बानगी को सुनते हैं।